हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, कैनेडा ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों की फहरिस्त में कुछ फोर्स के कमांडर मोहम्मद करामी भी शामिल। ईरान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में 180 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में मेंबरान असेंबली का बादशाह चार्ल्स सोम की वफादारी का हल्फ उठाने से इनकार। अराकान असेंबली का कहना है कि एक साथ दो आकाओं की खिदमत नहीं की जा सकती, हमने क्यूबेक में तब्दीली की मुहिम चलाई है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में मौसमी सरमा की पहली ट्रैवल एडवाइजरी जारी। टोरंटो के लिए फ्रॉस्ट एडवाइजरी जारी, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अमरीका की जानिब से ईरानी फौज पर रूस की मदद करने का इल्ज़ाम, तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरानी फौजी अहलकार क्राइमिया में रूस की मदद कर रहे हैं, ईरान में रूस को ड्रोन देने की तरदीद की थी। बरतानवी वजीर आजम मुस्ताफी, कंजर्वेटिव पार्टी के नए सरबरा के लिए सियासी जोड़तोड़ शुरू। लिज ट्रस के बाद बोरिस जॉनसन का फिर वजीर आजम की दौड़ में शामिल होने का इम्कान, अगले हफ्ते पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाबात होंगे। भारत में इंसानी हकूक की पामाली पर अंतोनियो गुतरेस की जानिब से सरजनिश। सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि भारत अकलियतों का तहफ्फुज़ और नफरत पर मबनी तकरीर की मजम्मत करे, भारत की बात उस वक्त सुनी जाएगी जब वो इंसानी हकूक का एहतराम करेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कनाडा ने ईरान के 6 अफराद और 4 इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कनाडा ने ईरान के 6 अफराद और 4 इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा है कि ईरानी हुकूमत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इलाकाई अमन और सलामती को लाहो खतरात का जवाब देने के लिए तमाम तरीके इस्तेमाल करेंगे। कनाडा की ईरान पर लगाई गई पाबंदियों की फहरिस्त में कुद्स फोर्स के कमांडर मोहम्मद करामी भी शामिल हैं। कनाडा ने उन अफराद और इदारों पर ईरान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में हिस्सा लेने का इल्जाम लगाया है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान में 22 साल महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के क्रैकडाउन पर ईरानी पुलिस और वजीर मवासलात समेत 4 ईरानी इदारों और 11 शख्सियात पर वीज़ा और असासे मुंजमद करने की पाबंदियां लगाई थीं। खातून की हलाकत के खिलाफ ईरान में एक माह से मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरीन के खिलाफ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में 180 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वाज़ह रहे कि स्कार्फ पहनने की कानून की खिलाफ वर्जी पर 13 सितम्बर को ईरान में गिरफ्तार होने वाली 22 साल महसा अमीनी 3 रोज़ बाद पुलिस की हिरासत में मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई थी। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के चंद मेंबरान असेंबली ने बादशाह चार्ल्स सोम की वफादारी का हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के चंद मेंबरान असेंबली ने बादशाह चार्ल्स सोम की वफादारी का हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। चंद रोज कबल एक पार्टी रहनुमा का कहना था कि एक साथ दो आकाओं की खिदमत नहीं की जा सकती, बादशाहत को बरकरार रखने पर सालाना 67 मिलियन कैनेडियन डॉलर लागत आती है। हालांकि ये हलफ नौ आबादियाती तसल्लुत की याद दहानी कराता है। क्यूबेक के चंद नए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान असेंबली ने सूबाई इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और कनाडा के बादशाह चार्ल्स सोम की वफादारी का हलफ उठाने से इनकार कर दिया। याद रहे चार्ल्स सोम की वफादारी का हलफ उठाना कैनेडियन आइन की जरूरत है। कनाडा के दस्तूरी कानून के मुताबिक
वफाकी या मुकामी सतह पर मुंतखब होने वाले किसी भी नुमाइंदे को अपनी नशिस्त संभालने के लिए बरतानवी बादशाहत से वफादारी का हलफ उठाने की ज़रूरत होती है। माहरीन का ख्याल है कि बादशाहत को ख़त्म करने के लिए दर हकीकत आइन को दोबारा लिखने की ज़रूरत होगी और इसके लिए शायद बरसों की सियासी गुफ्तगुशनीद दरकार हो। आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट और कैनेडा के 10 सूबों की हुकूमतों की मुतफिका रजामंदी दरकार होती है। अपनी तकरीर में बाएं बाजू की क्यूबैक सुइलीडियर पार्टी के 11 अरकान ने क्यूबैक के लोगों से वफादारी का हलफ उठाया, लेकिन वो क्यूबैक को बरतानवी बादशाहत से जोड़ने वाला दूसरा हलफ नहीं उठाना चाहते थे। अब ऐसा करने पर खदशा है कि नवम्बर के आखिर में उन्हें कौमी असम्बली की नशस्तें संभालने की इजाज़त ना दी जाएगी। पार्टी के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने नतायज की मुकम्मल मालूमात के साथ ये काम किया है। हमने क्यूबैक में तब्दीली की मुहिम चलाई है और अगर हम पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होते हैं तो ये उसी जानब खिड़कियाँ खोलने के लिए है। एनवायरमेंट कैनेडा ने ओंटेरियो सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के लिए मौसमी सरमा की पहली ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कैनेडा ने ओंटेरियो सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के लिए मौसम सरमा की पहली ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानब टोरंटो के लिए फ्रोस्ट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ठंड के शिकार इलाकों में ठंड कुछ फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। ओंटेरियो झील के करीबी इलाकों में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के करीब गिरने की तवक्को है। टोरंटो के शहरियों के लिए कहा गया है कि पौधों को ढांपें, खास तौर पर जो ठंड का शिकार इलाकों में हों। ठंड से हसास पौधों और दरख्तों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ठंड से मुतालिक मशवरे उस वक्त जारी किए जाते हैं जब बढ़ते हुए मौसम के दौरान दर्जा हरारत के अंजुमात के निशान तक पहुंचने की तवक्को की जाती है, जो पौधों और फसलों के मुमकिन नुकसान और तबाही का बाइस बनती है। सरकारी एजेंसी का कहना है कि मौसम में अचानक तब्दीलियों की वजह से सफ़र खतरनाक हो सकता है और वो ड्राइवर्स को फिसलन वाले हालात में रफ्तार कम करने का मशवरा दे रही है। माहौलियात कैनेडा ने खबरदार किया है कि मौसम में अचानक तब्दीलियों की वजह से सफ़र ख़तरनाक हो सकता है और वो ड्राइवरों पर जोर देता है कि वो फिसलन वाले हालात में गाड़ी चलाने की रफ्तार कम करें, आगे टेल लाइट्स पर नज़र रखें और बाद में महफूज फासला बरकरार रखें। अमरीका की जानिब से ईरानी फ़ौज पर रूस की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। रूस को ड्रोन्स फरहाम करने पर बरतानिया ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर दीं। ताहम ईरान ने रूस को ड्रोन फरहाम करने की तरदीद की है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका की जानिब से ईरानी फ़ौज पर रूस की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। रूस को ड्रोन्स फराहम करने पर बरतानिया ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी। ताहम ईरान ने रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने यूक्रेन के इल्ज़ाम की तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीका ने इस बात का तायुन किया है कि ईरानी फ़ौजी अहलकार क्राइमिया में मौजूद थे। ईरान ने रूस को ड्रोन देने की तरदीद की थी। नेट प्राइस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरानी फ़ौजी अहलकार तेहरान के फराहम करदा ड्रोन्स ऑपरेट करने के लिए रूसी फ़ौज की मदद कर रहे थे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन में मौजूद क्राइमिया का इलाका रूस में ज़म है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन के कौमी मज़ाहमती मरकज की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ईरानी ड्रोन इंस्ट्रक्टर रूस पहुँच कर रूसी फ़ौजियों को ईरानी ड्रोन्स चलाने की तरबियत दे रहे हैं। यूक्रेनी दावे के मुताबिक रूस ईरानी ड्रोन इंस्ट्रक्टर से मकबूजा खैरसन और क्रीमिया के इलाकों में मदद ले रहा है। यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान अपने शहरियों को भी रूस की मदद के लिए भेज रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने रूस को ड्रोन देने की तरदीद की थी। दूसरी जानिब यूक्रेन के वजीर खारजा देमतेरो कोलिबा का कहना है कि इसराइली वजीर आजम से मिज़ाइल दिफाई निज़ाम और टेक्नोलॉजी के लिए तफसीली बात की है। उनका यह भी कहना है कि इसराइली वजीर आजम को रूसी मिज़ाइलों और ईरानी साख्ता ड्रोन से होने वाली तबाही के हवाले से आगाह किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने ईरानी फ़ौज के 3 अफसरान और 1 ईरानी ड्रोन कंपनी पर पाबंदी लगाई है। पाबंदियों में शामिल अफराद पर बरतानिया के सफर की ममानियत होगी, जबकि पाबंदियों में शामिल अफराद के बरतानिया में मौजूद असासे जब्त होंगे। बरतानिया में नए वजीर आजम के लिए साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन और ऋषि सोनक समेत चंद अराकीन को मजबूत उम्मीदवार तसव्वुर किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में नए वजीर आजम के लिए साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन और ऋषि सोनक समेत चंद अराकीन को मजबूत उम्मीदवार तसव्वुर किया जा रहा है। बरतानिया की वजीर आजम लिस्ट्रेस ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लिस्ट्रेस के जाने के बाद बोरिस जॉनसन
दोबारा वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डेढ़ माह कबल ही मुंतखब होने वाली खातून वजीर आजम लिस्ट्रेस ने अपने अहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ 44 दिन अपने अहदे पर रहीं। लिस्ट्रेस का कहना था कि बादशाह को अपने इस्तीफा से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। अगले हफ्ते पार्टी की क्यादत के लिए इंतखाबात होंगे। मुतबादिल क्यादत का इंतखाबात होने तक वजीर आजम की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। मुस्ताफी होने के बाद लिस्ट्रेस 1827 के बाद मुख्तसर तरीन मुद्दत तक वजीर आजम रहने वाली शख्सियत बन गई। लिस्ट्रेस ने साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हुकूमत खत्म होने के बाद 6 सितम्बर को ओहदा संभाला था। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लिस्ट्रेस के जाने के बाद बोरिस जॉनसन दोबारा वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से लिस्ट्रेस से कबल वजारत उज़्मा के मनसब पर मौजूद बोरिस जॉनसन ने अपने ओहदे और पार्टी लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया था। बरतानवी वजीर आजम लिस्ट्रेस के मुस्ताफी होने पर व्हाइट हाउस का कहना है कि जो भी लिस्ट्रेस की जगह लेगा अमरीका उससे करीबी ताल्लुकात कायम रखेगा। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गोतरेस का कहना है कि भारत अकलियतों का तहफ्फुज करे और नफरत पर मबनी तकरीर की मजम्मत करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गोतरेस का कहना है कि भारत अकलियतों का तहफ्फुज करे और नफरत पर मबनी तकरीर की मजम्मत करे। उनका कहना था कि इंसानी हकूक हर एक का पैदायशी हक है, लेकिन उसकी फरहमी और तहफ्फुज के लिए इकदाम करना पड़ते हैं। भारत का दौरा करने वाले अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोतरेस ने एक तकरीब में भारत पर खुलकर तनकीद की। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क में अकलियतों को तहफ्फुज़ फराहम करे और नफरत पर मबनी तकरीर की मजम्मत की जाए। मुंबई में तकरीब से खिताब करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोतरेस ने कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मुंतखब रुकन होने के नाते भारत की यह जिम्मेदारी है कि वो इंसानी हकूक के आलमी कवानीन पर अमल दरामद करते हुए तमाम लोगों बशमूल अकलियती बिरादरी के हकूक का तहफ्फुज करे। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी इजहार, इंसानी हकूक और प्रेस की आज़ादी को यकीनी बनाना भारत की जिम्मेदारी है। आलमी बिरादरी में भारत की बात उस वक्त सुनी जाएगी जब वो इंसानी हकूक का एहतराम करेगा और तमाम अफराद के ज़ाती और इंसानी हकूक खुसूसन अकलियतों के हकूक का तहफ्फुज करेगा। वाज़ेह रहे कि इंसानी हकूक की मुहिम चलाने वालों का कहना है कि 1.4 अरब के हिंदू अक्सरियती मुल्क में 2014 में नरेंद्र मोदी के इक्तदार में आने के बाद से मजहबी अकलियतों के खिलाफ बर्बरियत और नफरत अंगेज तकरीर में तेजी आई है, जहां खास तौर पर भारत की 20 करोड़ की बड़ी मुस्लिम अकलियत को निशाना बनाया जा रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।